क्रीम हीम रम, समझे बात। एक इन दोनों बीज के साथ पहले पहला अक्षर लगाएंगे, फिर दूसरा अक्षर लगाएंगे, फिर तीसरा, इस बस 12 व्यंजन लगाएंगे, फिर क्रीम गम हम, फिर क्रीम बहुत बात खिलाएगा खम। ठीक इसी प्रकार से लगा के हर तक दुनिया को इन्हीं बीज मंत्रों में आबद्ध कर देने की क्रिया को प्राण प्रतिष्ठा। मगर यह मंत्र को मैंने प्रयोग करके देखा है, यह मंत्र वास्तव में बिना इस मंत्र के, बिना प्राण प्रतिष्ठा के, इस मंत्र के माध्यम से पहले स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करें। और स्वयं प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है आप विनियोग करके, चेतना मंत्र करके, उसके बाद में हृदय पर या शिखा पर अपना हाथ रख करके इस पूरे मंत्र को 3 बार उल्लिखित करें, जो मैंने बताया। 3 बार कागज को लिख देंगे, कागज पर सीधा रीडिंग होगा, फिर आपको याद करने की जरूरत है क बोलना है, ख बोलना है, तो पूरे वर्णों को बांधना है उस क्रीम और हम बीज में। यह प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग करता है, विनियोग मैंने आपको पहले दिखवा दिया है। और किसी भी प्रकार के संसार में आप किसी भी विद्वान के सामने खड़े हो सकते हैं, किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, तो कहीं कोई त्रुटि पूर्ण नहीं है और उसके लिए बिल्कुल सभी होगा अपने आप में। प्राण प्रतिष्ठा मंत्र को स्वयं पर, आपके सामने पित्र है उस पर, यंत्र है उस पर, तीनों पर प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग करते हैं। इसमें नित्य प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, यदि किसी यूज कर रहे हैं तो एक बार प्राण प्रतिष्ठा करने पर इस नवरात्रि में आप पहले दिन कर दिया, नौ युद्ध करने की जरूरत नहीं है। मगर यदि बीच निष्ठ के फिर उसी यंत्र से करना चाहें तो फिर प्राण प्रतिष्ठा, इस बात को ध्यान। प्राण प्रतिष्ठा के 5 स्थितियों को और ध्यान रखना चाहिए जो मैं आपको, मंत्र आपको उसको समझो नहीं आया तो आप कुछ पूछ लें, किसी व्यक्ति को नहीं समझ पाई कोई बात नहीं, लिखना तो लिख लें, जब आपको समझ में आ गया तो लिख लेंगे। स्वयं को तो शिखा पर आकर करके, यंत्र पर अपना दाहिना उंगलियों को स्पर्श करते हुए यंत्र के मध्य भाग में इसका उच्चारण करना है, और चित्र के भी मध्य भाग में स्पर्श करते हुए आपका शरीर का स्पर्श हो और फिर मंत्र प्रयोग। दूसरी बात, इसमें दीपक प्रज्वलित रहे, दीपक आपके दाहिने हाथ की ओर, जी का दीपक हो जो पाठ से प्रयोग करें, दाहिने हाथ की। तीसरा, प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग के 2 चेहरे हैं, सामान्य विशेष और एक अति विशेष, तीन प्रयोग है। सामान्य में केवल एक बार प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग करता है, विशेष में 3 बार प्रयोग करता है, अति विशिष्ट में एक से एक बार प्रयोग करता है। सामान्य रूप से काम चल जाता है, अति विशिष्ट तो कोई बहुत बड़ा प्रयोग हो, कोई बहुत बड़ा सिद्धि हो, कोई बहुत सिद्धि में साधना करनी हो, तब उसमें एक से एक बार किसी मंत्र को प्रदेश को। चौथा, प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग में स्वयं को उत्तराभिमुख होकर के बैठना चाहिए, हमारा मुंह उत्तर की ओर। पांचवा, प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग से पूर्व गुरु अनुमति या गुरु की पूजन या जो भी आपके इष्ट की पूजन हो, यदि आपका कोई गणपति इष्ट हो तो गणपति इष्ट की पूजन करके, गुरु हो तो गुरु की पूजन करके, उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग उनकी साक्षी में। शाम को मैं इसके मूल मंत्र जो बहुत आवश्यक है, उस मूल मंत्र के अन्वय को आपको विशेष रूप से समझाऊंगा कि दक्षिणकाल की मंत्र को आप, आपकी 51 मालाएं, 51 मालाएं नहीं,
के मनों का बराबर पाठ उदाहरण की आज कम्प्लीट चार मानों के हिसाब से पाठ उदाहरण की रात को करेगा, तो कल से हम विशेष प्रयोग इसलिए आप रात को थोड़ा विशेष प्रयत्न करके भी, मगर मंत्र पाठ में या मंत्र को स्पीडली पढ़ करके एकदम से अक्षर फूट नहीं जाए, पूर्ण ढंग से मंत्र उच्चारण करते हुए पाठ करें, चाहे उसमें समय लग जाए, ये पारंपरिक प्रयोग है। शाम को मैं इस मंत्र को चैतन्य करने का प्रयोग और इस मंत्र के प्रत्येक अन्वय का प्रयोग और मंत्र के प्रत्येक जिसमें जितने अक्षर में सभी बीज हैं और विशेष कार्य सिद्धि हेतु बीज संसार प्रयोग किस प्रकार से है और महत्वपूर्ण प्रयोग किस प्रकार से पूरा मंत्र के रूप में होने के लिए उसमें एक विशेष चेतना, एक विशेष भाव, एक विशेष भंगिमा आनी चाहिए, अन्यथा तो पशु भी जीवित है, जीव उसमें भी है और मनुष्य भी जीवित है और जीव उसमें भी है, फिर पशु और मनुष्य में अंतर अगर है तो क्या है, और वह अंतर है पशु प्राणवत्ता नहीं हो सकता, प्राण चेतना युक्त नहीं हो सकता, मनुष्य प्राण चेतना युक्त हो सकता है। इसलिए हम सब यहाँ बैठे हैं, इन सारे साधकों में जीव युक्त तो है मगर मैंने प्रातः काल प्राण चेतना प्रयोग समझाया है, जीव चेतना प्रयोग नहीं, और प्राण चेतना का तात्पर्य व्यक्ति उस ऊंचाई पर अपनी भावनाओं की उस गहराई तक पहुंच सके जो जीवन को पूर्णत्व की ओर अग्रसर करती है। ऐसा वास्तव परिषद जीवन का आधार है, हमारे जीवन का सारे जीवन की वृद्धि यदि भारतीय दर्शन का मूल आधार कहा जाए तो पूरे भारतीय दर्शन का एक मूल आधार है, उसको एक सूत्र में ऋषि ने एकत्रित किया है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण निकालने पर भी किसी प्रकार की कमी नहीं आती, जीरो में से जीरो निकाल दें, शून्य में से शून्य निकाल दें तब भी शून्य बचेगा, और शून्य में शून्य जोड़ दें तब भी शून्य बचेगा। यह पूर्णता क्या है, ये जो ईसा वास्तव उपनिषद में कहा है कि व्यक्ति को पूर्णत्व प्राप्त होना चाहिए, ये पूर्णत्व क्या है, हम अपूर्ण क्या है, हमारे हाथ पैर नाक कान आंख ग्रह सुख उपभोग मकान वैभव विलास सब कुछ तो है, ईश्वर का भजन भी करते हैं और शक्ति की आराधना भी करते हैं, फिर पूर्णत्व में कमी क्या है। संसार में प्रत्येक पदार्थ और वस्तु में से यदि कुछ निकाला जाए तो कुछ कमी आती है, अगर 100 रुपयों में से 2 रुपये निकाले जाएं तो पीछे 98-98 रुपये रहेंगे, यदि 25 लाख रुपये में से 20 लाख रुपये निकाल दें तो पीछे 5 लाख रुपये रहेंगे, यदि स्त्री के संतान उत्पन्न हो जाती है तब भी उसके शरीर का कुछ न कुछ क्षण कुछ न कुछ न्यूनता अवश्य ही आ जाएगी, वह आभा वह चेतना वह रक्तिमता वह उसकी प्रकाश प्रभुता नहीं रह पाएगी, प्रत्येक स्थिति में न्यूनता आती है, तो पूर्णत्व क्या है, और पूर्णत्व केवल हमारे शास्त्रों में कहा है प्रेम, प्रेम एक ऐसी बिंदु है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा आकार है जिसमें किसी प्रकार से न्यूनता आ ही नहीं सकती, यदि हम किसी के प्रति प्रेम करते हैं तो प्रेम करने से हमारे अंदर कोई प्रेम की न्यूनता नहीं आ सकती, कमी नहीं आ सकती, कुछ लोग तो कहते हैं कि प्रेम करने पर प्रेम बढ़ जाता है, यह अनुभव की बात हो सकती है, मगर शास्त्र की बात यह है कि प्रेम करने पर किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आ सकती, केवल संसार में यही एक भाव है, यही एक चेतना है जिसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आ सकती, इसका तात्पर्य पूर्णत्व केवल प्रेम में है, प्रेम के माध्यम से ही हम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। और यह प्रेम क्या है, और यही ईसावासी उपनिषद के ईसावासी उपनिषद का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हम यहां महाकाली साधना
और महाकाली का तात्पर्य काल कभी टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। काल को हमने अपने स्वार्थ के लिए टुकड़ों में बांटा है, एक दिन और रात को 24 घंटों में बांटा है, एक घंटे को 60 मिनट में बांटा है, 60 सेकंड में बांटा है, ये हमने अपनी इच्छा से बांटा है, ये विचार से बांटा है। काल को टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 बजे और 1:01 के बीच में कुछ गैप है, ऐसा नहीं। इसलिए काल के टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि महाकाली अपने आप में पूर्णत्व प्राप्त है और कोई महाकाली के अलावा और कोई सिद्धि, कोई साधना, कोई आराधना अपने आप में पूर्ण वर्तुल नहीं है। पूर्ण वर्तुल केवल महाकाली साधना है, जो कि उस स्थान से जिस स्थान को मृत्यु कहा गया है, उस स्थान तक जिस स्थान को अमृत कहा गया है, जीवन कहा गया है, उस पूरे सर्कल को पूरा ढंग से प्राप्त करती है। इसलिए उसके मंत्र को समझने से पूर्व हमें यह समझना पड़ेगा कि यह मंत्र अपने आप में पूर्णत्व है, तो पूर्णत्व का आधार क्या है, और यह पूर्णत्व का आधार प्रेम है, काम भावना क्षरण हो सकती है, न्यून हो सकती है, क्योंकि कामी व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम किसी प्रकार की लेन देन और विनिमय का साधन नहीं है, प्रेम के बीच में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आ सकता, प्रेम के बीच में किसी प्रकार का सौदा नहीं होता, वह तो केवल समर्पण होता है, अपने आप को मिटा देने की भावना होती है, अपना सब कुछ विसर्जन करने की क्रिया होती है। और जो अपना सब कुछ विसर्जन करने की भावना रख सकता है वह प्रेम कर सकता है, अन्यथा वासना कर सकता है, अन्यथा किसी प्रकार का विषय भोग ले सकता है, अन्यथा छल कर सकता है, प्रेम इतनी मामूली बात नहीं, क्योंकि प्रेम में नित्य नवीनता आवश्यक है। और यह बहुत शाश्वत बात है कि केवल नवीनता संसार के समस्त भावनाओं, समस्त पदार्थों, वह चाहे काल हो, वह चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कीट पतंग हो, चाहे शरीर हो, चाहे ट्रांजिस्टर हो, और चाहे कोई दूसरी भावना, सारी भावनाओं में कुछ न कुछ न्यूनता कमी आएगी समय के थपेड़ों की वजह से। प्रेम में न्यूनता नहीं आ सकती, प्रेम में नवीनता बनी रहती है। इसलिए 20 साल तक प्रेमिका बिल्कुल उतनी ही अच्छी लगती है जितनी 20 साल पहले लगी, क्योंकि उसका आधार प्रेम है। और जो ही उस प्रेमिका से शादी कर ली, उसके दूसरे दिन उसके प्रति आकर्षण समाप्त हो जाएगा, पत्नी के प्रति आकर्षण रहेगा नहीं, भावना रहेगी, उसके प्रति समर्पण भावना हो सकती है, अधिकार भावना हो सकती है, उसको अपना सब कुछ देने की भावना हो सकती है, घर की चाबियां दे सकते हैं, मगर प्रेम भावना, जिसको शुद्ध सात्विक प्रेम कहा गया है, वो प्रेम भावना नहीं होता। जिस चेहरे को हम बार बार देखने की इच्छा होती है, शादी करने के बाद उसके प्रति आकर्षण स्वाभाविक तौर न्यूनता आ जाती है। क्यों आ जाती है? इसलिए कि जो चीज और जिसका आधार कर्तव्य नहीं है, जिसका आधार अन्य कोई तत्व नहीं है, क्योंकि जो ही शादी होती है अधिकार भावना उसमें प्रवेश कर जाती है। पत्नी कहती मेरा अधिकार है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, मेरा अधिकार। पति कहता है तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, मेरा अधिकार है। शादी से पहले अधिकार, प्रेम में अधिकार भावना नहीं, उसमें रौब नहीं बन सकता, उसके ऊपर नियंत्रण नहीं बन सकता, क्योंकि वह बराबरी के विनिमय करना। यहां समझने की जरूरत है कि सारी वस्तु मंत्र को समझने से पूर्व सकती। मैं ऐसा कह सकते भारतीय संस्कृति में तो क्षरण नहीं कर रहा हूं, मैं तो प्रेमिका को बहुत ज्यादा पत्नी को न्यूनता में नहीं दे रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि ठीक उसी प्रकार से हमारे पूरे भक्ति मार्ग के कवियों ने ईश्वर को पत्नी के रूप में या प्रेमी के रूप में देखा, प्रेमी के रूप में या प्रेमिका के रूप में, पत्नी रूप में नहीं देखा, पति के रूप में भी नहीं देखा, अगर देखा भी है तो प्रेमी के रूप में पति की भावना करती है। अगर मीरा ने कहा है कि मेरा मोर जिसके सिर मोर मेरो पति सोई, तो यहाँ पति उस स्थूल वस्तु का नाम नहीं जिसके पीछे साथ मेरे खाए जाए, क्योंकि उसने साथ मेरे खाए ही नहीं,
उसको ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।